कराची में अमरीकी काउंसल जनरल कॉनरेड ट्रेबल कहते हैं कि अर्शद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान दूसरे खेलों में भी बड़ा एजाज हासिल कर सकता है। उम्मीद है लॉस एंजलस ओलंपिक्स में पाकिस्तान सॉफ्ट बॉल भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची अमेरिकन स्कूल में सॉफ्ट बॉल मैच का इनेकाद। अमरीकी कौंसल जनरल ने सॉफ्ट बॉल में अपने जौहर दिखाए। अमरीकी कौंसलेट की टीम पाकिस्तान ग्रीन ने 6 के मुकाबले में 20 रन से हरा दिया। अमरीकी कौंसल जनरल ने सॉफ्ट बॉल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। Pakistan Softball Federation. We had a great softball match today out here at the Karachi American School. Pakistani team here with male and female players to play against, have a fun game. Was actually really a special experience. अमरीकी कौंसल जनरल ने पाकिस्तानियों को जश्न आजादी की एडवांस मुबारकबाद भी दी। Pakistan Independence Day and to play a game that is really important to Americans and to at least some Pakistanis. It's a game that's not as popular yet as cricket or others. But it's a game that's very close to the American heart. अमरीकी कौंसल जनरल ने खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए। उनका कहना था, खेल अमन, दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देता है। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।